आज की सुबह में आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखना चाहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यह जेकल 37 और उसके पहले पद से छठे पद तक पढ़ना चाहूँगी, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। पांचवें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम्हें सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जियोगी और परमेश्वर और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हें सांस समवाऊंगा। आज की सुबह में ये बात बताना मांगते हैं, आपकी ज़िंदगी में यदि सूखापन है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, निराशा ही हाथ लग रही है, आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि हे सुखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। खुदावन आपके रुके हुए कामों को पूरा करने जा रहा है, खुदावन आपको खड़ा करने जा रहा है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु नासरी, आज की इस सुबह में तेरे पास आते हैं खुदावन, और प्रभु यीशु नासरी जैसे तूने वायदा करा है कि तू हमें सांस समवाएगा खुदावन और हम जी उठेंगे। प्रभु यीशु नासरी, यदि कहीं से भी लोगों के घरों में मरी है खुदावन, बीमारी काम कर रही है खुदावन, प्रभु यीशु नासरी नौकरी नहीं लग रही है, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं खुदावन पर काम नहीं बन पा रहा है, प्रभु यीशु नासरी तेरा आत्मा इन घरों में मंडराने वाला हो सके। प्रभु यीशु नासरी हर एक रुके हुए काम यीशु के नाम से पूरे होने वाले हो सके। प्रभु यीशु नासरी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक बीमारी का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। कौन बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ है खुदावन, तू तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है कि तू बीमारी के बिस्तर को उलट देगा खुदावन और ठीक करेगा। प्रभु यीशु नासरी, प्रभु यीशु नासरी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि तूने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। प्रभु यीशु नासरी तू हर एक आंसू का हिसाब रखता है। कौन है खुदावन जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और आंसू बहा रहा है, बीमारी में है, यीशु के नाम से कहते हैं कि उठ बीमारी के बिस्तर से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हर एक बीमारी के बिस्तर से उठो और चलो फिरो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु नासरी तेरा वचन कहता है, प्रभु यीशु नासरी तेरा वचन कहता है कि तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु यीशु नासरी तेरा वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन है जो बहुत तकलीफ में जी रहा है और उसे विश्राम की ज़रूरत है? जब वो सोने जाता है तो नींद नहीं आती है, विश्राम की ज़रूरत है। प्रभु यीशु नासरी ये तेरे पास आए हैं, प्रभु यीशु नासरी जितने सुन रहे हैं ये तेरे पास आए हैं खुदावन। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, आज इनका बोझ उठा लिया जाए और फ्री होने पाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन से आज़ाद होने पाए, बीमारी का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए खुदावन। प्रभु यीशु नासरी जो सुन रहे हैं खुदावन, प्रभु यीशु नासरी जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, यदि किसी भी गड्ढे में पड़े हैं, प्रभु यीशु नासरी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, अपने हाथ को बढ़ा करके इनको निकाल खुदावन और इन्हें खड़ा कर यीशु के नाम से। आज इन जिंदगियों पर चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन,